हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर विवेक तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट ई राघविंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शन एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन फंक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, दैट मीन्स हाउ वी कैन डिक्लेयर अ फंक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन एंड हाउ टू कॉल अ फंक्शन एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फंक्शंस. सो दिस फंक्शन कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन सी प्लस प्लस ऑल्सो. ओनली यू हैव टू चेंज द प्रिंटएफ स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट सी आउट इन प्लेस ऑफ प्रिंटएफ स्टेटमेंट. सो द लॉजिक इज सेम फॉर बोथ सी एंड सी प्लस प्लस. यू हैव टू यूज डिफरेंट नोटेशन इन दिस टू लैंग्वेजेस. In this lecture, I have used the notations of C programming language. So, let's start the basics of function. So, what is function? Function is a self-contained block of code. Basically, it is written to perform some specific task. So, block means any statement which is written inside the bracket. That means, for example, let's suppose you are having a curly braces and you write some code over there. So this is known as block. So anything which is written inside this block and provide any name to that block, and this named block is known as function. And this block will be written to perform some specific task. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे काम करता होगा. प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हमने क्यों यूज़ किया? मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव था कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं. तो वो लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट ना करके हमने क्या किया, उसको एक ब्लॉक में उस लाइन ऑफ कोड को लिखा और उस ब्लॉक को नाम दे दिया और उस ब्लॉक का नाम था प्रिंट एफ. तो जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करना रहता है, हम प्रिंट एफ फंक्शन कॉल कर लेते हैं. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड होता है. सो अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए आपको आपका नाम स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो नाम स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली हमने आपको पहले भी सिखाया है कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट. तो हमने लिखा प्रिंट एफ दिस इज माय नेम, यू कैन राइट योर नेम. लेट्स सपोज अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन. पहले एक बार प्रिंट करना था तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया. अब हमको अपना नाम 10 बार स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो हम क्या करें? हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज लूप. आप लूप यूज़ कर लीजिए और आप अपने नाम को 10 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट कर लीजिए. अब हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि इस प्रोसेस को 10 टाइम्स रिपीट करो, तब आप क्या करें? 10 टाइम्स रिपीट करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल में शो किया है. अब मान लीजिए मैनी टाइम, जितने बार चाहिए उतने बार रिपीट करना है, क्या तो तब आप क्या करोगे? क्या आप इसी चीज़ को बार बार लिखोगे स्क्रीन पे? इसी लूप को आप, जो लूप आपके नाम को 10 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट करता है, अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है तो क्या सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार आप लिखने चले जाओगे? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड भी आपका बढ़ाता है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक फंक्शन लिखें, उसमें वो एक्टिविटी की कोडिंग हम करें जिसको हमको परफॉर्म करना है, और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करें जितने बार हमको रिक्वायरमेंट हो. तो अगर हमको हमारे नाम को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो रैदर देन प्रिंट द राइटिंग द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, we can define those activity inside a block and name that block as a function. So function is a self-contained block of code. Now let's discuss about the types of function. Basically there are two types of function. The first is called built-in function and the second is called user-defined function. So we have already encountered many type of built-in function in our C program, that is printf function, scanf function, gets function, पुट्स फंक्शन, सी एल आर एस सी आर फंक्शन. इन सारे फंक्शंस का यूज़ हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कर चुके हैं. तो हमने देखा कि जब भी हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें जो भी प्री डिफाइंड फैसिलिटी है वो एग्जीक्यूट करता है.
सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है, किसी हेडर फाइल में स्टोर है. जब भी हमको उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, विच इज़ आवर प्राइमरी टॉपिक ऑफ कंसर्न इन दिस लेक्चर. सो बोथ बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड वाइल डिफाइनिंग अ functions. So what we can say that there are basically two types of function. The first one is a built-in and the second one is a user-defined function. Now the question arises, why we use user-defined function? Why there is a need of user-defined function when we have already have a built-in function? हमारे पास पहले से built-in function है, तो हम user-defined function हमें ज़रूरत ही क्यों है? इसका आंसर ये है कि built-in function की functionality limited है. एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंट, एट द टाइम ऑफ कोडिंग, प्रोग्रामर ने जो भी फंक्शनैलिटी फंक्शन में डिफाइन कर दिया, आप सिर्फ उसी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए आपको कुछ नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते. तो पहला तो ये हो गया कि जो फंक्शनैलिटी है आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. दूसरा, हमने एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बताया कि टू अवॉइड री राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल दैट इन दैट यू हैव टू प्रिंट यूर नेम ऑन द स्क्रीन ओनली वंस टाइम, देन यू कैन राइट प्रिंट एफ स्टेटमेंट. इफ यू हैव टू राइट द सेम थिंग 10 टाइम्स यू कैन यूज लूप. इफ यू हैव टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल प्लेसेस ऑफ योर प्रोग्राम, देन डेफिनेटली यू हैव टू राइट वन फंक्शन टू अवॉइड री राइटिंग द सेम कोड अगेन. एंड देर इज वन मोर फीचर ऑफ फंक्शन दैट इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. इफ द फंक्शन, इफ यूर work is program is prepared using modular approach, that means using functions, so it increase the program readability. It's very easy to design. Another advantage is that program flow can easily understandable, matlab program ko flow aap aasani se is approach mein samajh sakte hain. Jab aap function ke roop mein coding karte hain to aap function ko debug karna, test karna bahut hi aasan ho jata hai. To ye kuch फ़ायदे हैं जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हैं. अब हम देखते हैं कोई भी फंक्शन, अगर हमको फंक्शन सीखना है तो हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा. पहला कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करें, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया फिर उस फंक्शन को यूज़ कैसे करें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. और तीसरा होता है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, हम फंक्शन को कॉल कैसे करें. तो अब बारी बारी से करके देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होगा, फिर फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट कैसा रहेगा. तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग बोथ आर सेम. बेसिकली द फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शन स्ट्रक्चर टू द कंपाइलर. दैट मीन फंक्शन जो डिक्लेरेशन होगा वो कंपाइलर को ये बताता है कि आपके फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो कौन से इनपुट पैरामीटर ले रहा है और कौन सा टाइप, रिटर्न टाइप वो प्रोवाइड कर रहा है. हमने पहले भी एक ब्लाइंड रूल हमने पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग में, एंड दैट रूल इज दैट एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर प्रोग्राम, दैट मीन डेटा टाइप, वेरिएबल, यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर इज फर्स्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट दैट टाइप, कि हम उस पर्टिकुलर टाइप को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता रहे और कंपाइलेशन एरर ना आए. ठीक उसी तरीके से हमने एरे में भी किया था और अब हम फंक्शन में भी करेंगे. हम सो इसका मतलब है कि वॉट एवर द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू यूज़ इन यूर प्रोग्राम, यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर इट फर्स्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्ट इन फंक्शन हियर. सो वॉट एवर यूज़र डिफाइंड फंक्शन यू आर गोइंग टू यूज़ इन यूर प्रोग्राम, फर्स्ट यू हैव टू declare it, and this declaration is known as function prototyping. So there is a very simple syntax of function prototyping. First you have to write the return type, then you have to write the name of function, then you have to write the input parameters. So let's understand the topic via this example. Let's suppose I have given a return type as void. Void means nothing. अगर आपका प्रोग्राम कोई रिटर्न कर रहा है, कोई टाइप रिटर्न कर रहा है, तो आप उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे. अगर कोई टाइप रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, void. तो void का मतलब होता है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है. फिर हम फंक्शन का नाम, मान लीजिए हमने फंक्शन डिज़ाइन जो हम करने जा रहे हैं वो है डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया.
मान लीजिए कोई पैरामीटर नहीं लेता है, तो कोई पैरामीटर नहीं लेता है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं void, या दूसरा आप लिख सकते हैं blank space, that's it. और लास्ट में आपको सेमीकॉलन लगाना है, तो सेमीकॉलन कंपलसरी. तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा, फिर नेम ऑफ फंक्शन, फिर अगर उसमें कोई पैरामीटर है तो आप पैरामीटर पास करें. दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए रिटर्न टाइप इंटीजर है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये हो गया इंटीजर वैल्यू रिटर्न टाइप के साथ. पैरामीटर्स ऑप्शनल है, पैरामीटर्स अगर आपके पास हैं तो पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करना है, पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना है. एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब वेरिएबल. आपको यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, अगर आप कर भी देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा, पर यहाँ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. आप सिर्फ कंपाइलर को एक प्राइमरी नोटिस दे रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक फंक्शन रख रहा है, और वो फंक्शन जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे void है, नेम डिस्प्ले है, और वो इनपुट भी कुछ भी नहीं लेगा. अगर इस फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन है आपका रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब वो आपको इंटीजर रिटर्न करेगा कंपाइलर को, और डिस्प्ले फंक्शन में कोई भी यहाँ पे इनपुट नहीं होता. तो ये सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताता है कि जो भी फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये हमने देखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं. अब हम देखते हैं फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करें. तो जो फंक्शन डेफिनेशन का पहला लाइन है, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे देखा था. पर उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप लिखते थे, यहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो इस फंक्शन डेफिनेशन के सिंटेक्स को आप समझते हैं. सबसे पहले आपको लिखना है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के बाद आपको लिखना है नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो आप अपने और फंक्शन को इनपुट आप सप्लाई करना चाहते हो. देन राइट द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, देन यू कैन राइट द सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिए. देन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑप्शनल. इफ यूर फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप देन यू हैव टू राइट दिस रिटर्न स्टेटमेंट. इफ यूर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, that means your return type is void, then this statement is optional, then there is no need to write this statement in your function. So this is how to define a function. Let's see a example. Let's suppose your function declaration is like that, void display, that is a function declaration. So how to define a function, void display, then I'm not putting semicolon here, opening curly braces, then write a statement, printf, hello, I'm writing hello, then closing curly braces. So this is a normal function definition. Let's suppose you are having another function like that, integer display, then I have to write printf, hello, this is my function, and I'm integer I is equal to 10, I'm writing have done, and at last return I. So what we learn here is that if it does not return anything, that means that there is no return statement. If your function return a value, then you have to explicitly write the return statement while defining your function. One more difference is that while declaration there is a semicolon in declaration, and while definition there is a no semicolon here. So that is the difference between declaration and definition of a function. So we have learned about the function declaration, then how to define a function. Now next is how to call a function. So function calling statement is a simpler of the two that I have discussed earlier. Just write the name of function and pass the input parameter as described by the function prototype. फंक्शन प्रोटोटाइप में जैसा आपने पैरामीटर सेट किया हुआ है उस तरीके से आप उस पर फंक्शन का नाम लिखिए और पैरामीटर सप्लाई करिए, सेमीकॉलन लगा के फंक्शन को कॉल कर लीजिए. अब इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका प्रोटोटाइप है void display integer. इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता, पर इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इनपुट करता है. तो इसका कॉलिंग स्टेटमेंट कैसा होगा, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फंक्शन का नाम डिस्प्ले,
उसके बाद आप चूंकि आपका फंक्शन इंटीजर इनपुट लेता है तो आप कोई इंटीजर वैल्यू आप उसको सप्लाई करोगे, इंटीजर वैल्यू उसको सप्लाई करोगे, फिर आप क्या लिखोगे, सेमी कॉलन। दूसरे तरीके से इस एग्जांपल को देख लीजिए, मान लीजिए इंटीजर आई एक वेरिएबल है, आई इज इक्वल टू 6 मैंने स्टोर किया हुआ है और मैं कॉल कर सकता हूँ डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं वेरिएबल भी इंटीजर वेरिएबल के थ्रू भी इसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास दो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होगा, ये हमारा प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप को देखिए, प्रोटोटाइप के हिसाब से इंटीजर वैल्यू लेता है तो डायरेक्टली इंटीजर कॉन्स्टेंट भी आप सप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो ये दो तरीके से हम फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को हमने देखा। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, यू हैव टू ओनली राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पास द पैरामीटर्स एज डिस्क्राइब्ड बाय योर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। सो दिस इज फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस प्रोग्राम। द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इज द हेडर फाइल्स, देन आई हैव डिक्लेयर्ड वन फंक्शन हियर। लेट्स सी, वॉइड डिस्प्ले, सी दिस कोड, वॉइड डिस्प्ले, then this is blank, that means it does not take any argument and it does not return any return. So this is it does not return any value, that's why the return type is written here as void. So this is a function declaration statement. It only tells the compiler that there is one function display, there is one function display we are going to use in our program. Then inside the main I have write one built-in function, that is clr. I am calling that function. Then I am calling the display functions. Then I am writing getch. And at last, after the main block, this is here the main block will ends. After the main block, I have defining my user defined function display. The same return type, name of function, I am not putting semicolon here. Then writing one line of code. That is, this is my first user defined function. So what actually happened when you call your main program? Always the program executions starts from main. That means your execution of your program will start right from this main. Then first line of code will be executed. Then what happened? CLR SCR. So this function will be called and clear your screen. Then the second line of code will be executed. What is here? That is a display function. Since it's a function, display function, then compiler looks for function declaration statement and match the argument with function declaration argument. Compiler भी यहाँ पे ये देखेगा कि ये display function यहाँ पे declare है या नहीं। अगर declare है तो आप calling किए हो तो उसके parameter के according आपने call किया है या नहीं। तो compiler को देखने से ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो data type वो return कर रहा है void है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही किया है। फिर ये कोई भी display function है, कोई भी input parameter नहीं लेता है, यहाँ भी आपने input नहीं दिया है, तो उसे ये समझ में आ गया कि आपने calling statement बिल्कुल सही लिखा है। तो जैसे ही statement execute करेगा, आपका जो function का control है वो कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा display function के पास। उसके बाद display function का जो भी statement है वो execute करेगा। execute करने के बाद जैसे ही outer क्लोजिंग करली ब्रेस एग्जीक्यूट होता है, आपका जो फंक्शन का कंट्रोल है वो वापस कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन के पास आएगा। सो ये हो गया फंक्शन कैसे कॉल होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जब हम फंक्शन को, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम के कंट्रोल का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट डेफिनेटली सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड, सिर्फ एक ही लाइन का कोड होगा, दैट इज This is my first user defined function. So हमारा output देखिए, this is my first user defined function, ये हमको output मिलने वाला है। So अभी हमने इस program के through हमने देख लिया है कि किस तरीके से function को define करते हैं, कैसे declare करते हैं और किस तरीके से उसको call करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ important points function के बारे में। Function के बारे में, important points के बारे में discuss करते हुए, सबसे पहला point ये है कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन हमने देख लिया है, अब इसका पहला पॉइंट है कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर से आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखें, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, एक फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन और दूसरा फंक्शन है पुट डेटा फंक्शन। पुट डेटा फंक्शन के बाद हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के डेफिनेशन को देखिए। डिस्प्ले के डेफिनेशन में मैंने लिखा है प्रिंटेड डिस्प्ले फंक्शन, मतलब ये डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, और फिर इसी के अंदर ही मैंने पुट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया है। इस लाइन में मैं यहाँ पे पुट डेटा फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है।
यही हमारे प्रोग्राम का इस पॉइंट का इस प्रोग्राम का मेन पॉइंट है कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। इसके पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि जो फंक्शन था वो कॉल हुआ था मेन फंक्शन के अंदर से, तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर से। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने पुट डेटा फंक्शन को कॉल किया, फिर वॉइड डेटा का पुट डेटा का डेफिनेशन देखिए, प्रिंट एफ पुट डेटा फंक्शन, ये स्क्रीन पे सिर्फ पुट डेटा फंक्शन प्रिंट करता है, स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट करता है। अब इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है मेन से, सबसे पहले सी एल आर एस सी आर एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या एग्जीक्यूट करेगा, डिस्प्ले फंक्शन। आपने बिल्कुल प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, सो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन के पास। जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल डिस्प्ले फंक्शन के पास आएगा, सबसे पहला लाइन क्या प्रिंट करने वाला है, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, फिर आपने क्या कॉल किया यहाँ पे, पुट डेटा फंक्शन। पुट डेटा फंक्शन को जैसे आप कॉल किया, फिर से प्रोग्राम ये आप देखेगा कि ये पुट डेटा कहीं डिफाइन है या नहीं है। हाँ, ये डिफाइन है, कंपाइलर को पता चला ये डिफाइन है, फिर वो चेक करेगा कि आपने पैरामीटर सही पास किए हैं। अगर आपने पैरामीटर सही पास किए हैं तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपका कंट्रोल कहाँ जम करेगा, इस लाइन ऑफ कोड में। पुट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा और क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, पुट डेटा फंक्शन। फिर पुट डेटा फंक्शन कॉल करने के बाद ये कंट्रोल वापस किसके पास आएगा, वापस आएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास। इसको फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो पहला लाइन ऑफ कोड कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन के बाद फिर पुट डेटा, कंपाइलर को पता है कि पुट डेटा फंक्शन पहले से डिक्लेयर्ड है इसलिए कोई एरर नहीं आएगा। जैसे ही पुट डेटा कॉल होगा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, पुट डेटा के पास। पुट डेटा के पास जैसे प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, पुट डेटा फंक्शन। उसके बाद जैसे इसका स्कोप खत्म हुआ आपका कंट्रोल वापस किसके पास आने वाला है, डिस्प्ले फंक्शन के पास। डिस्प्ले फंक्शन के बाद पुट डेटा के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्कोप यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जैसे स्कोप क्लोज होगा कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग जो स्टेटमेंट था मेन था तो मेन के पास वापस कंट्रोल आ जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है पुट डेटा, सो पुट डेटा को आप एग्जीक्यूट करेंगे फिर से पुट डेटा को आप एग्जीक्यूट करिए तो आपका जो आउटपुट आया है वो आएगा पुट डेटा फंक्शन। अब चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। तो इसका आउटपुट आता है सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि आपने क्या कॉल किया है, आपने कॉल किया है डिस्प्ले फंक्शन। सबसे पहला आपने क्या कॉल किया है, डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड लिखा है डिस्प्ले फंक्शन, सो ये यहाँ पे आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर डिस्प्ले के अंदर ही आपने पुट डेटा को कॉल किया है तो फिर से पुट डेटा कॉल हो जाएगा, पुट डेटा के अंदर है पुट डेटा फंक्शन, तो ये आके यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल वापस मेन के पास गया, यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल वापस मेन के पास गया। मेन से फिर आपने कॉल किया पुट डेटा फंक्शन, तो पुट डेटा फंक्शन के पास वापस कंट्रोल आएगा और जो पुट डेटा फंक्शन जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आपने लिखा है वो फिर से एक बार कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके आउटपुट को देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से हमको ये समझ में आया कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फंक्शन इज दैट एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आप किसी भी फंक्शन को कितने बार भी चाहें आप कॉल कर सकते हैं। फिर से हमारे प्रोग्राम में देखिए, डिस्प्ले एक फंक्शन है और पुट डेटा एक फंक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड मैंने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट होता है इसका मतलब है डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है, स्क्रीन पे पुट डेटा फंक्शन प्रिंट होता है मतलब पुट डेटा फंक्शन कॉल हुआ है। सो अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहला लाइन ऑफ कोड सी एल आर एस सी आर है स्क्रीन क्लियर करने के लिए, देन आई हैव रिटर्न डिस्प्ले फंक्शन, देन व्हाट हैपेंड, डिस्प्ले विल बी कॉल्ड एंड डिस्प्ले फंक्शन विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। Then again I have write the display function. So when we write display function again this line of code will execute. So this is one main point of this program execution, and that is any function can be called from any number of times. So in this inside the main I have called display function twice and put data function twice. If you want to execute, if you want to call the display function 10 times or many times, you can call as many as times you want. So that is our main important point, and that is any function can be called any number of times. So let's see what will be the output. The output is display function, display function, put data function, and put data function. Since I have called display function twice and I have called put data function twice. Now the third important point, and that is order of calling may be different from order of definition. That is the third important point in C programming function, is that the order of calling
may be different from order of definition. In this program, I have declared two functions, the display function. I am using the same program again and again. Display function, that is display is defined first and put data is defined later. That means in program code, I have defined display first and put data function. While in main, I am calling put data first and then I have called display function next to put data. So, there is a, आप ये कह सकते हैं कि आपका इस फंक्शन को आप किसी भी ऑर्डर में आप उसको डिफाइन करिए, कॉलिंग आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब चाहे डिस्प्ले को पहले डिफाइन करें या पुट डेटा को पहले डिफाइन करें, आप किसी भी फंक्शन को पहले कॉल कर सकते हैं. अब इसके आउटपुट को देखिए. आउटपुट को देखने से हमको ये समझ में आता है कि सबसे पहले हमने पुट डेटा को डिफाइन किया है, कॉल किया है, तो पुट डेटा फंक्शन पहले कॉल हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ पुट डेटा. फिर डिस्प्ले को आपने कॉल किया है, तो डिस्प्ले सेकेंडरी कॉल किया है और डिस्प्ले फंक्शन उसके बाद ये कॉल हुआ है. सो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ऑर्डर जिस ऑर्डर में आप डिफाइन करते हो उस ऑर्डर में कॉल करो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ. फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकते हैं. हमने पहले भी देखा है कि किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से भी आप कॉल कर सकते हो. तो जब फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं, उसका मतलब फंक्शन को खुद के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं. जब आप फंक्शन को खुद के अंदर से कॉल करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकर्शन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकर्शन. सो इन डिस्प्ले फंक्शन, आई हैव डिफाइंड वन फंक्शन डिस्प्ले. इन दिस डिस्प्ले फंक्शन आई एम राइटिंग प्रिंट एफ डिस्प्ले फंक्शन एंड कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन अगेन इन साइड द डिस्प्ले फंक्शन ओनली. मतलब डिस्प्ले के अंदर ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन. जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा तो एक एंडलेस आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट होते रहेगा. आपको पॉज ब्रेक करके इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में आपका प्रोग्राम चला जाएगा. तो ये प्रोसेस है रिकर्शन. तो रिकर्शन के बारे में भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रिकर्शन अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है. तो रिकर्शन को रोकने के लिए भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है. तो हमको ये हम देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में फंक्शन है जो अपने डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है. दैट मीन्स फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकर्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन. फंक्शन को आप कभी भी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते. फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं जैसा हमने पहले देखा था, पर किसी भी फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, वो डिस्प्ले और पुट डेटा. अब डिस्प्ले फंक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही लिख दिया है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है. जब इस प्रोग्राम को आप लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. इसका मतलब साफ है कि किसी भी प्रोग्राम को आप किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर किसी दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पुट डेटा को डिफाइन किया हुआ है. पुट डेटा का डेफिनेशन का प्लेस देखिए. पुट डेटा को मैंने मेन के ब्लॉक के बाहर डिफाइन किया है. इस ब्लॉक ये ब्लॉक के बाहर मैंने इसको डिफाइन किया है. इसके नीचे आप इसके नीचे लिख दीजिए या इस मेन ब्लॉक के यहाँ पहले लिख दीजिए, कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक के अंदर नहीं लिख सकते. नेम ब्लॉक के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज देयर इज नो नीड ऑफ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इफ फंक्शन इज डिफाइंड बिफोर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. अभी तक के प्रोग्राम में मैंने जितने भी प्रोग्राम में भी आपको दिखाए हैं, उस सारे प्रोग्राम में मैंने डिस्प्ले फंक्शन को और पुट डेटा फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया था. अब इस प्रोग्राम कोड को समझिए. इस प्रोग्राम कोड में मैंने पहले डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद पुट डेटा फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है. मतलब पहले मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने सीधा डिफाइन ही कर दिया है. यहाँ पे पुट डेटा फंक्शन को मैं डिक्लेयर किया हूँ, लेकिन यहाँ इसको बाद में डिफाइन किया हूँ. तो हमारा ये स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो नीड ऑफ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन. There is no need of forward declaration if function is defined before function calling statement. तो यहाँ पे function calling statement display का यहाँ पे है और function का जो definition है वो यहाँ पे है. जब function का definition आप पहले लिख देते हो तो उस condition में आपको forward declaration की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये भी एक important point है function point of view से.
तो इसका आउटपुट बिल्कुल ऑब्वियस है, आप पुट डेटा को कॉल किए हो तो पुट डेटा फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर डिस्प्ले को कॉल किए हो तो डिस्प्ले फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो मेन पॉइंट है इस प्रोग्राम का ये है कि आप फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की ज़रूरत तभी है जब आप फंक्शन को तब डिफाइन नहीं करते हो जब उसको कॉल कर रहे हो। अगर कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद आपका फंक्शन डेफिनेशन है देन ऑलवेज यू हैव टू राइट द फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट। इफ़ यूर कॉलिंग स्टेटमेंट से रिटर्न after your function definition there is no need to forward declare your function. So these are the important points about your function. So in this lecture what we cover that is the basic definition of function, its types, and how to define a function, how to call a function, and how to declare a function, and some important points about the function in this function lecture series. In next lecture we will cover the types of function based on return type and input parameter. अभी हमने दो types देखे, built-in और user defined. अब user defined function के types हम देखेंगे, return type और input parameter के basis पर कितने type के होते हैं ये हम समझेंगे. next lecture में हम ये भी देखेंगे कि function को call करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, फिर हम array को function में कैसे pass करें, हम structure को function में कैसे pass करें, input as a parameter हम उसको कैसे pass करते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शन कैसे काम करता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और भी कुछ सीखेंगे. अगर इससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.